Hello students, good morning. Yesterday I have explained, I have solved the first exercise of the synthesis. I have solved 12 sentence. Now I will like to solve the next 13 sentence of the first exercise of the synthesis. The sentence is, the poor man worked, he laughed, he thus spent his life. He thus spent his life. तो हम इसको देखेंगे, पूर्व व्यक्ति ने काम किया, वह हंसा, इस प्रकार उसने जीवन व्यतीत किया, अर्थात काम करते हुए और हंसते हुए, वर्किंग एंड लाफिंग. द पुअर मैन दस स्पेंट हिज लाइफ. नेक्स्ट, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आई सा स्नेक, आई रेन अवे. I was walking in the field, full stop. I saw a snake, I ran away. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, खेत में टहलते हुए सांप को मैंने देखा, मैं भाग खड़ा हुआ, अर्थात खेत में टहलते हुए सांप को देख करके मैं भागा. तो बनेगा वॉक इन द फील्ड एंड सिंग ए स्नेक आई रेन अवे. ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है. इसके बाद हम देखेंगे, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप. द चाइल्ड ही बिगन टू बीप, बच्चे ने पेन खोया, बच्चा रोने लगा. अब चर्चाएँ होती है कि आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे बना दें कि लूजिंग हिज पेन द चाइल्ड बिगन टू बीप. नहीं, बच्चा पेन खोने के बाद थोड़ा देर ढूंढे डाड़ेगा, और जब ढूंढेगा नहीं पाएगा तब रोएगा. तो हैविंग लॉस्ट हिज पेन the child began to weep. Next,
ही वॉज डिस्काइज एज ए सेंट ही स्केप टू नेपाल। अब यहाँ पर वाज के बाद डिस्काइज्ड थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये पैसिव वॉइस ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जब हम बेस बदलेंगे तो अपनी जो हमारा रहस्य होगा उसको हम बचा के रखेंगे कि हमें कोई जान न पाए, इसलिए इसको हम बीइंग से बनाएंगे। नेक्स्ट, टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस। यू विल देन फाइंड द हाउस। तो ये बनेगा टर्निंग, टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस। नेक्स्ट, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस। He turned into a cat. So, taking pity on the mouse. बना पूरा, टेकिंग पिटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न इट इनटू ए कैट। सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग। Full stop. She lay down in bed. तो बनेगा being tired of reading.
ये मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व किया है. दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल लाइक टू एक्सप्लेन हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिटिव. दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड.